एक कंगुआ सब पर भारी है? ये नहीं, ये ओके। तो कंगुआ मूवी का एक और पोस्टर रिलीज कर दिया गया है जिसमें सूर्या के दोनों लुक नजर आ रहे हैं, पास्ट वाला और प्रेजेंट वाला। पास्ट में जहाँ पर वो वॉरियर था और प्रेजेंट में दिख रहा है एक गैंगस्टर था क्योंकि हाथ में बंदूक लेकर खड़ा है। हेलो जी नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार एके आपका जुभा एंड वेलकम टू द 11th एपिसोड ऑफ अज्जू के अपडेट, जहां पर हम करते फिल्मों के अपडेट की बात एक साथ। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कंगुआ मूवी के एक और पोस्टर की। इस मूवी से इससे पहले एक और पोस्टर आया था जहाँ पर मैंने रिसर्च करके स्टोरी प्रेडिक्शन किया था इस मूवी का। ये रहा वीडियो, जाकर जरूर देखना, बहुत ही बढ़िया है, पूरी स्टोरी समझ में आएगी एक्जैक्टली क्या होने वाला है। जहाँ मैंने सिंपल भाषा में प्रेडिक्ट किया है व्हाट इज कंगुआ, क्या सूर्या के इसमें रिबर्थ होने वाला है, दिशा पतानी और बॉबी देओल भी है इसमें, तो इनका एक्जैक्टली क्या रोल हो सकता है। जहाँ बॉबी देओल का एक लुक तो रिवील कर दिया गया है पास्ट वाला, क्या प्रेजेंट में भी वो रहने वाला है। इस मूवी का प्रेजेंट 500 साल पुरानी हिस्ट्री को कनेक्ट करने वाला है और बजट है इसका अराउंड 300 करोड़। अब यहाँ पर एक सच्ची घटना आपको देखने को मिलेगी, कैसे बीएमसीयू में हमको 300 करोड़ बोल के चूना लगाया और कैसे अब सूर्य इसको यूटिलाइज करेगा, वो तो भाई देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन रिलीज डेट किधर है? पोस्टर पर पोस्टर डालते हो लेकिन रिलीज डेट नहीं डालते। आई एम तो ईगरली वेटिंग बॉस। अगली अपडेट है मराठी मूवी की, जिसमें महेश मांजरेकर सर की बहुत ही बड़ी और बढ़िया वाली मूवी आ रही है जुनो फर्नीचर, जिसका नाम है, जिसका हिंदी अर्थ होता है ओल्ड फर्नीचर। ये तो इंग्लिश हुआ। बीइंग अ मराठी मानुस में महेश मांजरेकर सर का बहुत बड़ा फैन है, लेकिन ये ट्रेलर देखने के बाद पता चला भाई साहब महेश मांजरेकर सर ने इसको दिमाग से नहीं दिल से डायरेक्ट किया है। जिसका बेसिक प्लॉट होने वाला है माँ बाप और उनके बच्चों को लेकर, मतलब कैसे बच्चे जब जवान हो जाते हैं और फॉरेन में जाके सेटल हो जाते हैं तो अपने बूढ़े माँ बाप को पुराने फर्नीचर की तरह कोपरे में फेंक देते हैं, उनको पूछते तक नहीं है। और उसको जिस तरीके से लिखा और डायरेक्ट किया है और जिस तरीके से स्टोरी लग रही है भाई साहब, उसको कोर्ट केस तक लेके जाना माइंड बोगलिंग। तुम्हें जब मराठी असल तक नक्की बगा नसाल तरी सुधा बगा, क्योंकि इसको बनाए रहे नट सम्राट एंड मी शिवाजी राजे भोसले बोलते हैं इस मूवी के मेकर्स। हैट्स ऑफ टू सर, मेरे को बहुत अच्छा लगा ट्रेलर। ये मूवी आ रही है 26 अप्रैल को थिएटर्स में। वैसे नॉर्मली फिल्मी चैनल में आईपीएल की बात करना शोभा नहीं देता, लेकिन फिर भी कल की मैच इतनी इंटरेस्टिंग थी कि भाई साहब कल हमें दो चमत्कार देखने को मिले, एमआई वर्सेस सीएसके में, और वो थी इतने दिनों बाद एमएस धोनी की हमें दमदार बैटिंग देखने को मिली। 4 बॉल में 20 रन ऐसे ऐसे धड़ाधड़ ऐसे ऐसे मार दिया है। एंड रोहित शर्मा ने आईपीएल करियर में 12 साल बाद ये सेकंड सेंचुरी मारी है, मतलब इससे पहले 12 साल तक एक भी सेंचुरी नहीं थी। बात सिर्फ आईपीएल की हो रही है। अब बात कर लेते थोड़ी सी सलमान खान को लेकर, जहां बताया जा रहा है सलमान खान को जिस गैंगस्टर ने गोली चलाई थी वो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का कोई भाई है, अनमोल बिश्नोई, उसके आदमियों ने चलाई थी। और भाई ने छाती ठोक के साफ साफ बोल दिया कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी। मेरे दोस्त, मरना तेरे को डर नहीं लगता? बट ये भी बोल रहे थे कि ये कोई वांटेड गैंग है जो बिश्नोई के लिए काम करती है राजस्थान में। अब कौन है क्या है हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता, जल्दी से पकड़ो उनको, क्योंकि हमारे भाई को अभी सिकंदर की शूटिंग भी करनी है, मई में शुरू होने वाली सिकंदर की शूटिंग। थलपति विजय की अपकमिंग पिक्चर गोट, इसकी रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है 5th सितंबर। एक पोस्टर डालकर रिवील कर दिया, लेकिन उसके साथ ही इस मूवी का फर्स्ट सिंगल यानी एक गाना रिलीज कर दिया गया है, सिटी मार, नहीं सॉरी विसल पड़ू, दोनों क्यों देना। अरे हाँ भाई हाँ। वैसे पूरा सॉन्ग तो लिरिकल था, लेकिन इसके लास्ट में जो ठुमके नजर आए प्रभुदेवा एंड विजय के, वो बढ़िया था भाई साहब। वैसे राजकुमार की श्रीकांत मूवी से भी एक प्यारा सा सॉन्ग रिलीज हुआ है, तू मिल गया करके, एकदम बढ़िया वाइब दे रहा है, जिसमें उसके साथ नजर आ रही है बीएमसीएम को बीसीएमसी करा देने वाली साइंटिस्ट। एनीवेज, कल वाले अपडेट में जैसे मैंने आपको बताया था लोकेश कनगराज एंड राघव लॉरेंस की एक साथ फिल्म आ रही है बेंस, और आज राघव लॉरेंस की एक और पिक्चर का अनाउंसमेंट उन्होंने कर दिया है। पिक्चर का नाम है हंटर, जिसको लिखा और डायरेक्ट किया है वेंकट मोहन ने, जिन्होंने इससे पहले थलपति विजय के साथ कत्थी मूवी को डायरेक्ट किया था एंड एक और मूवी डायरेक्ट की 2019 में अयोग्य नाम से, और दोनों की भी आईएमडीबी रेटिंग एकदम बढ़िया है, तो इससे हम उम्मीद कर सकते हैं। वो इसलिए भी क्योंकि इसको म्यूजिक दिया है देवीश्री प्रसाद ने, पुष्पा, पुष्पा 2, अभी कंगुआ, मतलब हंटर भी एकदम फायर होने वाला है। बाय द वे ये मूवी एक मैन और टाइगर के अराउंड घूमेगी, जिसका कैप्शन ही है द बैटल फॉर द सोल, जो बताया जा रहा है एकदम इंटेंस एडवेंचरस एक्शन थ्रिलर होने वाली है, जिसको अलग अलग लोकेशन में शूट करके समर 25 तक आ सकती है मूवी। अब बात कर लेते थोड़ी सी कलेक्शन की, जहां पर बीएमसीएम का ग्रॉस कलेक्शन बताया जा रहा है 4 दिन का 96.18 CR एंड मैदान का बताया जा रहा है 31.84 CR, जहां मैदान को मिली है 8.9 की IMDb रेटिंग। बीएमसीएम का तुम बताओ, कमेंट करो यार, सब्सक्राइब भी कर दो। लोकेश कनगराज एंड रजनीकांत सर की थलेवार 171, इस मूवी का टाइटल अनाउंसमेंट 22 अप्रैल को तो होने वाला है, लेकिन साथ में खबर आ रही है कि इसमें श्रुति हासन भी एज अ फीमेल लीड नजर आ सकती है। एस शंकर एंड कमल हासन सर की इंडियन 2 मूवी, इसका पोस्टर रिलीज करते हुए बताया जा रहा है कि इसमें जून 2024 तक रिलीज हो सकती है, लेकिन मे बी कहा जा रहा है 14 जून हो सकता है वो टाइम। राम चरण एंड जानवी कपूर की हाल ही में एक मूवी का अनाउंसमेंट हुआ था RC16, इसका अभी तक टाइटल पता नहीं है, बट बताया जा रहा है कि इसमें अमिताभ बच्चन एंड संजय दत्त सर भी इंपॉर्टेंट रोल में नजर आ सकते हैं। एक्जैक्टली क्या होगा मूवी आने के बाद ही पता चलेगा, मतलब ट्रेलर या फिर टीजर। अब बात करते हैं थोड़ी सी हॉलीवुड की, जहां पर ड्यून पार्ट 2 डिजिटल रिलीज होने वाली है 16 अप्रैल को। इंटरस्टेलर मूवी के मेकर्स 10th एनिवर्सरी पर इस मूवी को रिलीज करने की प्लानिंग में, जिसका लुत्फ हम 70mm ओरिजिनल IMAX में उठा सकते हैं। वैसे आर्टिकल 370 मूवी भी अभी OTT पर आने वाली है जो सिनेमा पर, बताया जा रहा है कि 17th या फिर 19th अप्रैल तक आ सकती है। उसके साथ ही द ब्रोकन न्यूज का सीजन 2 भी आ सकता है 17th अप्रैल को OTT पर। तो ये थे आज के अपडेट, आपको जानकर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वैसे गर्मी में ऐसे शूट करना पड़ता है भाई साहब, बहुत मेहनत लगती है अपडेट लाने में, तो प्लीज सब्सक्राइब करना, क्योंकि बंदा आपका लाइक और सब्सक्राइब को डिजर्व करता है। मिलता हूँ अगले वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, कल, सिंपल।